मैं रीना आपके अपने चैनल लीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है बसंत पंचमी का दिन और बसंत पंचमी का खास तौर पे बसंत पंचमी आती है सरस्वती माता की पूजन के लिए। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इसे ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। इस दिन सरस्वती माता का व्रत किया जाता है। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता सरस्वती माता के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। रूली चंदन हल्दी केसर और पीले धागे पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए और पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र किताबों को अर्पित करना चाहिए। माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करना चाहिए। विद्यार्थी चाहे तो इस दिन माँ सरस्वती के लिए व्रत भी रख सकते हैं। अब इस तौर पे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सरस्वती को पीला और सफ़ेद भोगी लगाना चाहिए। आप चाहें तो खिचड़ी का भोग खीर का प्रसाद श्रद्धालुओं में बांट सकते हैं। इसके अलावा आप राजभोग बूंदी या लड्डू मिक्स सब्जियों भी भोग के तौर पर आप माँ सरस्वती को चढ़ा सकते हैं। और आज के दिन मिक्स सब्जियाँ हरी सब्जियाँ बनानी चाहिए। काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और मांस मदिरा का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ ही और इस व्रत में आप चाहे तो मीठा भोजन कर सकते हैं। नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें और इस दिन बिना नहाए कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन बिना नहाए बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे पूजा करने के बाद में ही कुछ ना कुछ जरूर खाना चाहिए। अब आप चाहें तो दही मक्खन और सफ़ेद तिल या फिर नारियल ये सब आप खा सकते हैं। लेकिन जो ये एक नमक है उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। मीठा भोजन बनाएं। व्रत में जो मीठा भोजन बनाया जाता है वो आप बना सकते हैं। सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई बना सकते हैं। दही और मक्खन इन सब का उपयोग आप व्रत में कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज के दिन पीले रंग के वस्त्र अवश्य पहनने चाहिए। विद्या की देवी को पीले रंग के कपड़े अर्पित करने चाहिए। माँ को खुश करने के लिए बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और साथ ही साथ आज के दिन जो तामसिक सब्जियां हैं जैसे मूली गाजर गोभी इन सब सब्जियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस लहसुन प्याज मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए कि सरस्वती माता के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।